गाइस कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आजकल लोग जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। यू नो फैट लॉस करना और मसल गेन करना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि वो लीन रहे, वो मसल मास गेन करे एंड एट द सेम टाइम वो फैट को भी अपनी बॉडी पर कम करे। तो ऐसी ही एक चीज़ के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फास्टेड कार्डियो। देखिए, कार्डियो एक ऐसी चीज़ है जो हम हर कोई करता है, जो एक कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है जिसमें आप हर आई नो अपनी बॉडी में जैसे डिफरेंट मसल होती हैं उस मसल की तरह अपने हार्ट जो कि एक और मसल आपकी बॉडी में है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, उसको ट्रेन करते हैं। यू ट्राई एंड यू नो डू अ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी ताकि आपका हार्ट सही तरह फंक्शन करे, ताकि आप अपने फैट लॉस को अचीव कर सकें। जो भी आपका गोल है फैट लॉस, आपका गोल है स्टबर्न फैट को लूज करना, तो आप उसके लिए कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी आपकी कार्डियो को करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में मैंने बात क्यों करनी चाहिए आज और मैं क्यों सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आजकल बहुत से लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि फास्टेड कार्डियो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जिसे करते हैं तो यू अचीव द अल्टीमेट गोल जो कि है फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम। और ये उस स्टबन जो फैट आपकी बॉडी में होता है उसको लूज करने में आपकी हेल्प करता है। क्या ये सच है या फिर ये एक मिथ है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो थ्योरी, जो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में कि फास्टेड कार्डियो पहले तो है क्या, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि फास्टेड कार्डियो एक ऐसी एक्टिविटी है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कार्डियो दैट यू डू। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, फास्टेड कार्डियो में क्या होता है कि आपकी बॉडी 6 से 12 घंटे तक किसी भी फूड को लिए बिना, यानी कि एक फास्टेड स्टेट में होती है, जबकि आपकी बॉडी किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं कर रही। मैंने ऐसे प्रोसेसिंग आई मीन टू से जब आप यू नो व्हेन यू टेक एनी फूड, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो बॉडी की यू नो एक जो मशीन है वो एक्टिव हो जाती है और वो पहले तो यू नो फूड को ब्रेक डाउन करती है एंड देन द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट अकरिंग और ये सब होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो बॉडी एक तरह से उस समय एक साइकिल में होती है, एक प्रोसेसिंग साइकिल में होती है जिसमें वो कुछ एक्टिविटी कर रही होती है और आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फास्टेड स्टेट में जब आप होते हैं, जब आप 6 से 12 घंटे तक कोई फूड को नहीं खाते, तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है। तो उस स्टेट में अगर कहा जाता है कि अगर आप कार्डियो करें तो जो आपके स्टोर्ड फैट है रादर देन दी एक्टिव फूड जो आपने लिया है, जो भी खाना आपने खाया है उसकी बजाय जो आपका स्टोर्ड फैट है वो बर्न होता है एंड इट हेल्प्स यू टू बर्न दैट स्टबर्न फैट और आप कुछ एक्स्ट्रा फैट लूज कर पाते हैं। अब ये कहाँ तक सच है? देखिए, कई थ्योरी तो ये कहती हैं कि अगर मैं फास्टेड कार्डियो करता हूँ तो मैं करीबन 20% यानी कि 20% आई कैन बर्न मोर फैट देन अ नॉर्मल कार्डियो एक्टिविटी। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो देखिए, बहुत से लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिलीव करता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है कि आप यू नो एक साइकिल आप अपने दिन को एक यू नो यू डिवाइडेड इनटू डिफरेंट साइकिल डिफरेंट स्टेजेस कि मैं भाई दिन में आई ओनली ईट फॉर लाइक 8 आवर्स बट आई वॉन्ट ईट फॉर 16 आवर्स। तो आप कभी कभी जब आप मॉर्निंग में मैं उठता हूँ, अगर मैं सपोजली 7 बजे उठ रहा हूँ और मैं जिम 9 बजे जा रहा हूँ बिना कुछ खाए एंड द लास्ट मील दैट आई हैव हैड इज़ लाइक रात को 12 बजे या 10 बजे या 11 बजे, तो मेरी बॉडी अपने आप से ही फास्टेड स्टेट में होती है। और अगर उस स्टेट में मैं जाऊं तो आई एम ऑलरेडी इन अ फास्टेड स्टेट। लेकिन अब मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों ने इसको इतना हाइप बना दिया कि अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो आप ज़्यादा फैट बर्न करेंगे। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? मेरा तो ये मानना है कि अगर यू नो मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो आई डोंट लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ फूड बिफोर गोइंग टू द जिम। कई लोग पसंद करते हैं, यू नो पीपल एट टाइम्स दे लाइक कि वो बहुत ज़्यादा यू नो दे ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें खा के जिम जाएं और प्रॉब्ली दे हैव अ सिंगल मील जिसमें कार्ब्स हो और प्रोटीन हो वो खा के जिम जाएं। पर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। आई नॉर्मली टेक एट टाइम्स अ प्री वर्कआउट और एन इंट्रा वर्कआउट या फिर मैं आई टेक अ बनाना और मे बी पीनट बटर विद अ ब्रेड, तो मैं ये खा के जाना पसंद करता हूँ और आई वर्कआउट। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फास्टेड स्टेट में हो चाहे आप नॉन फास्टेड स्टेट में, यानी कि आपने कुछ भी खाना खा रखा हो, जो रिजल्ट्स होंगे जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मिनिमल। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट दैट यू आर परफॉर्मिंग, दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स रादर देन कि आप बिल्कुल फास्टेड स्टेट में है कि आप कुछ खा के आए हैं। जैसे सपोजिटली अगर मैं एग्जांपल लूँ
इस बात को लेके कि अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग इज अ कार्डियो, आप कार्डियो से अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करते हैं, एंड इफ यू डू एन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसमें आप कोशिश करते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप ज्यादा अपनी बॉडी को यू नो एक्टिव रख सके, ज्यादा अपनी हार्ट बीट को एक लेवल तक अचीव कर सके ताकि आप ज्यादा फैट बर्न करें, दैट इज मोर हेल्पफुल देन बीइंग इन अ फास्टेड स्टेट एंड डूइंग अ कार्डियो. तो मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि आप कोशिश ये करिए कि यू नो बिकॉज इफ यू आर इन अ फास्टेड स्टेट, आपके जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोजन लेवल बहुत कम होते हैं, इंसुलिन लेवल कम होते हैं, यू एट टाइम्स फील ड्रेन्ड, आप ड्रेन फील करते हैं, और उस स्टेट में एक्सरसाइज करना, ऑल्दो इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक ये बहुत खराब है, एंड इट माइट बेनिफिट सम फ्यू इंडिविजुअल्स, बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं और आप बहुत टाइम से इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट विल रियली मैटर. व्हाट रियली मैटर्स इज द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट दैट यू डू. तो कोशिश ये करिए कि यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फूड बिफोर यू गो एंड वर्कआउट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बहुत ओवर हो जाए और आप कुछ यू नो देन यू फील अ लिटिल ब्लोटेड और हैवी फील करें, तो हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ फूड. लेकिन कोशिश ये करिए कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए, आप ऐसा वर्कआउट करिए जिसमें आप यू नो 30 टू 45 मिनट्स या 45 टू 60 मिनट्स से ऊपर करना आई डोंट थिंक इज दैट बेनिफिशियल एज वेल. आप 45 टू 60 मिनट्स वर्कआउट करिए और कोशिश करिए कि यू गेट ड्रेन्ड आउट, आप यू नो एग्जॉस्टेड फील करें. इट्स लाइक अ वर्कआउट वेयर यू काइंड ऑफ हिट द राइट मसल, यू हिट द राइट फॉर्म और आप अच्छा और बेहतर फील करेंगे. क्योंकि यू नो एज आई सेड कि इट्स नॉट अ वन डे एक्टिव कि आप एक दिन ही वर्कआउट कर रहे हैं एंड देन अगले दिन यू आर नॉट डूइंग दैट. सो इट्स अ जर्नी. और इस केस में मैं तो ये कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि यू नो ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. बट फास्टेड हो या नॉन फास्टेड हो, इट रियली डिपेंड्स, इट्स अ पर्सनल चॉइस. हाउएवर मेरे लिए तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ कि अगर मैं बहुत ज्यादा फास्टेड स्टेट में हूं तो मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ा है. वट रियली मैटर्स इन माई केसेस कि मैं किस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ. अगर मैं बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर मैं वेट ट्रेनिंग हैवी कर रहा हूँ, अगर मैं यू नो कुछ शॉर्ट स्प्रिंट्स कर रहा हूँ या फिर फास्ट साइकिलिंग कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, तो दैट हैज़ इम्पैक्टेड मी एंड काइंड ऑफ बेनिफिटेड मी इन अ बेटर वे, रादर देन कि मैं यार कुछ ना खाऊँ और मैं ड्रेन्ड और लेथार्जिक फील करूँ एंड देन जिम जाके वर्कआउट करूँ. तो गाइज यही मेरा कहना है आपसे कि बीट फास्टेड बीट नॉन फास्टेड, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी. ऑल्दो कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यार अगर आप फास्टेड स्टेट में होते हैं तो ज़्यादा फैट लॉस करेंगे, स्टबन फैट लूज होगा, पर ऐसा आई मीन आई डोंट थिंक इट्स ट्रू इन मेनी वेज. कोशिश ये करिए कि यू फॉलो रेजिम विच इज़ प्रीटी इंटेंस. आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए, आप यू कैन डू आई मीन क्या कहते हैं कि आप इस तरह से अपने डेली रूटीन को रखिए कि आप यू नो एट टाइम्स यू डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि यार ऐसा मैं करूँ तो ऐसा होगा, ऐसा करूँ तो मैं कैसा होगा. ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स एंड द थिंग दैट बेस्ट सूट्स यू उसको अप्लाई करिए एंड देन यू विल फाइंड द राइट रिजल्ट्स. थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए. आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो और कोशिश ये करूँगा कि कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ. थैंक यू गाइज, पीस.